नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी आंखों का चश्मा उतारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको तीन ऐसे गजब के तरीके बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखों का चश्मा 100% उतर जाएगा। दोस्तों, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम अपनी आंखों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। हम अपने पूरे फेस का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन उनमें हम अपनी आंखों को भूल जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर इंसान की खूबसूरती है तो वो उसकी आंखों की वजह से ही है। हम इन आंखों से ना जाने कितना काम करते हैं। सारा दिन हम इन आंखों से देखते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पर काम करते हैं, ना जाने कितना कुछ, लेकिन फिर भी हम कभी भी नहीं सोचते कि हम इनका ध्यान रखें। लेकिन जब हमें चश्मा लग जाता है तब हमें ध्यान आता है कि हाँ यार, मैंने उस समय पर अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखा, मैंने ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल किया या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लिया, ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया, जिस कारण से मेरी आंखों के ऊपर चश्मा लग गया। चलिए, जो भी हो गया, आपकी आंखों के ऊपर चश्मा किसी भी कारण से लगा हो, चाहे वो ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर आपको कम खाने की या गलत खान पान की वजह से लगा हो, कुछ भी कारण हो, आप मेरे इस बताए हुए तरीकों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों के ऊपर का चश्मा जो भी लगा हो वो 100% उतर जाएगा। हाँ, अगर आपका चश्मा आधे नंबर का या एक दो नंबर का है तो वो बहुत जल्दी उतरेगा, लेकिन अगर चश्मा थोड़ा ज़्यादा नंबर का है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप इन उपायों को करते रहें। तो जो हमारी आँखें हैं दोस्तों, इसके अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस कारण से हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। अब जो विटामिन ए की कमी है उसका सीधा सा कारण ये है कि हम जो आजकल खाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बर्गर या पिज़्ज़ा आप खाते हैं उसके अंदर कहीं आपको विटामिन ए इतना मिल सकता है जितना आपके शरीर को चाहिए? तो सीधी सी बात है, नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन कारण से हमारी आंखों की रोशनी जो है कम होती जा रही है। अगर हम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे तो भी हमारी आंखों की रोशनी कम होगी। तो इन सब का अगर आप इलाज चाहते हैं, अपना चश्मा उतारना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला प्रयोग क्या कर सकते हैं, आपको 6 से 8 महीने तक लगातार एक चीज़ करनी होगी। और वो चीज़ क्या है कि आपको अपने पाँव के तलवों के और अपनी कनपट्टी के ऊपर गाय का घी घिसाना होगा। अब गाय का घी कौन सा चाहिए? देखिए, दो तरह की गाय हैं। एक तो जो हाइब्रिड गाय मिलती है, एक होती है देसी गाय, जिसे हम A2 गाय भी कहते हैं। तो जो देसी गाय का घी है उसे आपको इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि वो घी आपको थोड़ा महंगा मिले, लेकिन वो आपकी आंखों से ज़्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो आपको क्या करना होगा, A2 गाय का घी लेना है। उस गाय का, देसी गाय का घी लेकर उसे 6 से 8 महीने तक अपने पाँव के तलवों के ऊपर और अपनी कनपट्टी पर इसे रात को सोने से कम आधा घंटा रगड़ना है, इससे मसाज करनी है। अगर आप इतना 6 से 8 महीने करते हैं तो कोई भी चश्मा आपके, कोई भी नंबर का चश्मा आपके फेस के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर लगा है, वो उतरना 100% है। और दूसरा प्रयोग जो आप इसके साथ साथ कर सकते हैं वो है कि आपको रोज़ाना 7 बादाम लेने हैं, 5 ग्राम मिश्री लेनी है। मिश्री आपको देसी मिश्री लेनी है, धागे वाली लेनी है मिश्री, वो नहीं लेनी जो क्यूब्स की शेप में आती है, क्योंकि वो एक तरह से चीनी होती है। तो आपको 5 ग्राम मिश्री लेनी है, 7 बादाम लेनी है और 5 ग्राम सौंफ लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाइए, इसका चूर्ण बनाइए और इसे आप रात को रोज़ाना दूध के साथ सेवन कीजिए। साथ में आपको ये चीज़ करनी है, इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों को चश्मा नहीं भी लगा उनको भी इस प्रयोग को तो करना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी आजकल का हमारा लाइफ स्टैंडर्ड हो गया है, सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना, कम नींद लेना, उस कारण से कभी ना कभी फ्यूचर में हमें चश्मा लगने की नौबत आ सकती है। तो क्यों ऐसी नौबत आए, इसके लिए आप क्या करें, 7 बादाम, 5 ग्राम मिश्री और 5 ग्राम सौंफ, तीनों का पाउडर बनाएं और उसे रोजाना दूध के साथ लें। अब जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रहा हूं वो डेली की क्वांटिटी है। आप क्या करें, 15 दिन या 1 महीने की क्वांटिटी पहले ही बनाकर रख लें और डेली दूध के साथ रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। और तीसरा प्रयोग जो आपको करना है, एक चने के दाने के जितनी आपको फिटकरी लेनी होगी और 100 ग्राम गुलाब जल के अंदर उसको डाल लेना है।
अब पहले क्या कीजिए, फिटकरी लेकर, कितनी फिटकरी लेनी है, चने के दाने जितनी, उसको थोड़ा भून लें, उसको थोड़ा सेक लें। उसको सेकने के बाद उसको 100 ग्राम गुलाब जल के अंदर मिला लें। अब इससे क्या होगा, ये आपका एक आंखों में डालने के लिए दवा तैयार हो जाएगी। फिटकरी और गुलाब जल का ये जो मिश्रण है, इसकी 4-4 बूंद आपको दोनों आंखों में रात को सोने से पहले अपनी आंखों के अंदर डालनी होगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे भी आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। कोई भी नंबर आपकी आंखों के ऊपर चश्मे का लग गया हो, वो उतरना 100% है। तो दोस्तों, ये जो मेरे 3 प्रयोग बताए गए हैं, इन तीनों प्रयोगों को आपको जरूर करना है। मैं एक बार दोबारा से, आप देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी मैजिक नहीं होता कि जिससे कि एकदम से कोई भी चीज़ काम कर जाए। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आपका शरीर है। अब आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम अपना निकालें और इन प्रयोगों का प्रयोग करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।